चले गए। आज सुबह अहमदाबाद पुलिस बोलती है कि कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा शानदार है यार, कल रेड करी, तीन पुलिस वाले आए, उन तीन पुलिस वालों ने सारा सर्च करा, अपना आई कार्ड भी दिखाया, नाम भी पता है हमें पुलिस वालों के। आज कहते हैं कोई उनके पास वारंट नहीं था, कोई सर्च वारंट नहीं था, कोई कागज नहीं था, आए बस रेड करी और चले गए। हमने जब शोर किया कि रेड हो गई, हमारे ऊपर रेड हो गई, तो कहते कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा अच्छा है, बिना कागज के, बिना किसी किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी के भी दफ्तर में घुस जाओ। और फिर ये तो आम आदमी पार्टी थी, इनकी हिम्मत नहीं हुई पैसे, नहीं तो किसी से भी पैसे मांग लो, पैसे बोलो इतने पैसे दे, नहीं तो तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। और कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? ऐसे पुलिसिया सरकार चलेगी? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनके या तो खुद के ऊपर, या रिश्तेदार के ऊपर, या दोस्तों के ऊपर, या जान पहचान वालों के ऊपर, या तो इनकम टैक्स की रेड हुई हो, ईडी की रेड हुई हो, सीबीआई की रेड हुई हो, जरा हाथ खड़ा करके, डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे हाथ खड़ा करके बताएं। इतने देश के अंदर ऐसे डरा रखा है इन लोगों ने एजेंसी के जरिए लोगों को, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, उगाही करने के लिए। जितनी एजेंसीज आती हैं सब उगाही करने के लिए आती हैं। जब तक देश के व्यापारी के मन से डर नहीं निकाला जाएगा, जब तक व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर पाएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज ये, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात के अंदर भयमुक्त वातावरण देना हमारा सबसे पहला काम होगा। अभी जब मैंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान पहचान वाले या किसी के यहाँ रेड हुई हो, किसी की हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है कभी कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जान पहचान वाले या किसी के यहाँ इनकम टैक्स की इसकी उसकी रेड ना हो। डर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जनता के मन से डर निकालना पड़ेगा। निडर होके व्यापार करो, आप निडर होके व्यापार करो, आपका व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, खुद भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं, हमारे मैं बनिया परिवार से आता हूं, बनिया हूं, तो हमारे दादाजी की तरफ भी, मामा जी की तरफ भी, नाना नानी, दादा दादी सारे व्यापार में थे, और मैं जानता हूं कि एक व्यापारी कितनी टेंशन के अंदर 24 घंटे व्यापार करता है। कभी लगता है ये एजेंसी आ जाएगी, कभी वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। सबसे ज्यादा जीएसटी से दुखी हैं लोग, हैं कि नहीं है? जीएसटी से बहुत दुखी हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने, कई मैं सुन रहा था, जैनेन्द्र तन्ना जी ने बताया कंप्लायंस की दिक्कत है, रेट्स की भी दिक्कत है। इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने जीएसटी को, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे, और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे, ताकि, और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 CM हो जाएंगे। जब 3 CM मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये जीएसटी को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे जीएसटी को ठीक, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, तन्ना जी ने भी और उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बाध्य नहीं है राज्य सरकारों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बड़ा अवसर पैदा करता है। अभी फ्रैंकली हमने इस ऑर्डर को अच्छे से स्टडी नहीं किया, इसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है, मैं आज गुजरात के सभी व्यापारियों को आश्वासन दे के जाना चाहता हूं,
आपके साथ बैठेंगे, जैसे आप कहेंगे जीएसटी की रिजीम गुजरात के अंदर वैसी ही होगी जैसा व्यापारी चाहेंगे, ना कि वैसी होगी जैसा एक्सटॉर्शन के तरह से। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नॉर्मली हर व्यापारियों का जो डायलॉग मैं करता हूं उसमें निकल के आती है, आज नहीं निकल के आई, होती है पेमेंट की। एक मिनट में पूछ कर लू अभी, पेमेंट नहीं आती, माल बेचते हैं पेमेंट नहीं आती, है कि नहीं है? किसी ने पैसा लिया वापस नहीं करता, बहुत बड़ी समस्या है। आधे से ज्यादा लोग तो इस पेमेंट की वजह से डूब जाते हैं, आधे से ज्यादा व्यापारी तो इस पेमेंट। मेरे पास इसका तुरंत कोई समाधान नहीं है, मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूं, इसमें मैं समझ सकता हूं कि पेमेंट की कितनी बड़ी समस्या है। आपके साथ बैठेंगे, इसमें मैं बहुत लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है, इस पे कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों की पेमेंट वापस आ सके। अगर एक आदमी को माल बेचने के बाद अपनी पेमेंट की पक्का हो जाए कि मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो मैं बताता हूं आपको 50-60% व्यापार वैसे ही बढ़ जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम के अंदर और व्यापार बढ़ जाएगा। इसके लिए हम मिल बैठ के कुछ समाधान निकाल के कोई कानून लेके आएंगे, और जो कानून यहां बनेगा उसको फिर दिल्ली में भी लागू करेंगे, उसको फिर पंजाब में भी लागू करेंगे, और एक दिन पूरे देश में भी लागू करेंगे। एक वैट के और जीएसटी के बहुत सारे पुराने रिफंड पेंडिंग है, ये सरकारें जानबूझ रखती हैं, जब सरकार का खर्चा नहीं चल रहा होता तो रिफंड रोक लेती हैं, और व्यापारी के पास बेचारे का कैश फ्लो रुक जाता है, और कैश फ्लो एक व्यापारी की जान होता है। तो हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर जितने आपके पुराने रिफंड है सारे रिफंड आपको 6 महीने के अंदर वैट के भी और जीएसटी के भी। वैट के पुराने बहुत सारे मामले चल रहे हैं, वैट तो खत्म हुए कितने साल हो गए, लेकिन पुराने केस पे केस चल। तो एक आपके साथ बैठ के एक वैट एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे ताकि सारे पुराने केसेस को खत्म किया जा सके, जो लेना देना है सरकार का बनता है वो सारा आप दें, ताकि आप लोगों को केसेस से झंझट से मुक्ति मिले। एक चीज जो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। अभी सबकी आपकी बातों से निकल के आ रहा था, ममता जी ने भी बोला कि जी वो पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, वो पैसे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पुलिस वाला और एक भी सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक भी पैसा मांग सके। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं आपके साथ शेयर, पहली जब सरकार बनी हमारी 28 सीट आई थी दिल्ली में, 28 सीट में 49 दिन की सरकार थी, उन 49 दिन में हमने ऐसा काम किया कि अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। कई काम किए लेकिन एक काम जो किया, मैंने ऐलान कर दिया दिल्ली में कि अब अगर आपसे कोई पैसे मांगे आप मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना और अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग की क्लिप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, उस अफसर को मैं जेल में डाल दूंगा। उनचास दिन में 32 लोगों को मैंने जेल डाली, आपको यकीन बता रहा हूं किसी की रिश्वत कम नहीं हुई, 0 हो गई 49 दिन के अंदर रिश्वत। और 49 दिन के बाद जैसे ही हमारी सरकार गिरी ये लोग सारे पैसे लेने पहुंच गए, बोले वो जो 49 दिन वाले है वो भी दो और अब नए पैसे भी दो, बोलो बुला अब अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं तेरा केजरीवाल क्या करता है। तो ये हमको ही करना है, भ्रष्टाचार नीयत साफ है हमारी, शरीफ लोग हैं, पैसे नहीं खाते, ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पूरे देश के अंदर फैलाने की, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया 144 करोड़ खा गया, उसके घर रेड करी, रेड में 10,000 रुपए नहीं मिले, अगर 144
40 करोड़ रुपए कोई खाता तो कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़, 2 करोड़ बिखरे हुए ही मिल जाते घर के अंदर, कुछ नहीं मिला। हमारे दफ्तर में रेड करी वहां कुछ नहीं मिला, गुजरात में रेड करी वहां कुछ नहीं मिला, मनीष के घर कुछ नहीं मिला, सतेंद्र के घर कुछ, ऐसे ही फेंकते रहते हैं, कीचड़ फेंकते रहते हैं, पर जनता देख रही है। तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, रेड सारी बंद कर देंगे, जितनी रेड होती है, ये जीएसटी के रेड, चलानी रेड, ढिमकी रेड, दिल्ली में कोई रेड नहीं होती। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में सारी रेड बंद कर दी। मैं इनकम टैक्स में था पहले, ऐसा नहीं कि सारे अफसर खराब होते हैं, कई कुछ अफसर ईमानदार भी होते हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा कि रेड में क्या तमाशा होता है। कोई उस कोने के अंदर सेटिंग कर रहा होता है, कोई उस कोने में सेटिंग कर रहा होता है। जितना पैसा रेड में सरकार को नहीं आता, उससे ज्यादा पैसा उनकी जेब में जाता है। अगर आप रेड बंद कर दो, इस देश का व्यापारी खुशी खुशी अपने मन से सरकार को पैसा देना चाहता है, उसको मौका तो दो। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, वैट के जरिए हमारा टोटल दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ का था, हमने रेड बंद कर दी, आज हमारा दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है, दुगने से भी ज्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। क्यों? क्यों? व्यापारी अब खुश है, व्यापारी देख रहा है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हमने स्कूल अच्छे बना दिए, हमने अस्पताल अच्छे बना दिए, इलाज मुफ्त कर दिया, लोग खुश हैं, अपने से टैक्स दे रहे हैं, अपने से उनको लग रहा है यार कि अगर सरकार को टैक्स दोगे तो कुछ बदले में मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे सारे प्रोसेस। अगर कई लोगों की शिकायतें ये थी, जी प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फाइल करना पड़ा। प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जाता है? प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक के कहे बताओ जी कितने दे हैं, फिर आदमी जो देता है वो ऊपर तक पहुंचता है। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है मेरे को पैसे नीचे, और खबरदार जो तुमने पैसे लिए तो सारा प्रोसेस फिर सिंप्लीफाई होने लगता है, फिर कहते हैं यार काम करो अब सारे जने मिलके। ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम गुजरात में लाना चाहते हैं। मेरा एक टारगेट होगा 5 साल के अंदर व्यापार का पूरा सिस्टम इतना सिंप्लीफाई कर दो, इतना भ्रष्टाचार मुक्त कर दो कि आपका सबका बिजनेस, हर आदमी का बिजनेस कम से कम 5 साल में डबल हो जाए। आज अगर आप 5 रुपए का टर्नओवर है तो 5 साल में ये डबल होके 10 रुपए होना चाहिए। आज अगर 10 रुपए का टर्नओवर है तो ये 20 रुपए 5 साल में होना चाहिए। और 20 पोटेंशियल है अपने देश के अंदर, बिजनेस बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। सब चीजों को संकुचित करके मतलब घोट के रखा हुआ सरकारों ने, ऐसा है जैसे गला घोट देते हैं ना किसी आदमी का, ऐसे व्यापार और उद्योग को इस देश के अंदर घोट के रखा हुआ है। अगर खुला छोड़ दिया जाए व्यापार को, खुला छोड़ दिया जाए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, इतना बढ़ेगा हमारे देश के अंदर, हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल। और एक ये कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने शानदार शिक्षा का इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए भी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। कितनी कहानियां मेरे को सुनने को मिलती है, फलाना फलाना प्लम्बर का बेटा, कारपेंटर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा आईआईटी में इंजीनियर बन गया। सोच के देखो, जिसका बाप आज 10,000 रुपए महीना कमाता है, वो आईआईटी का इंजीनियर जब निकलेगा 3 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी होगी। गरीबी दूर हो गई उसकी? ऐसे ही तो गरीबी दूर होगी और कैसे होगी? सरकारी योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होने वाली,
गरीबी दूर होगी शिक्षा से। तो फ्री शिक्षा देना कैसे फ्री की रेवड़ी हो गई? सबके लिए हम अब फ्री इलाज का इंतजाम करना चाहते हैं। कम से कम दुनिया के अंदर ढेरों देश ऐसे हैं जिनके अंदर, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उनकी। अगर गरीब से गरीब आदमी भी फ्री, वो वहां पे बीमार होता है, उनकी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस है, वो उसको लेके जाती है फ्री में।